आज है 15 अगस्त। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एंड मेरा आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है और मेरे बच्चे सब जा रहे हैं अपने पापा के साथ हार्डिंग पार्क, तो मैं आप सबको दिखा देती हूँ और आगे का व्लॉग वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। इसके पापा तो बाद हम लोग को ले जा रहे हैं फुटबॉल का मैच दिखाने के लिए। अपने बच्चे को ये इंडिपेंडेंट डे का मैच है बनारस वर्सेस पटना 11। कहाँ जा रहे आज बोल दो और आज क्या है आप तो सबको विश तो कर दो। अच्छा और कहाँ जा रहे हो पापा के साथ? तो आप जहाँ जा रहे हो वहाँ का अपना ब्लॉग दिखा देना, ठीक है? आप फ्लैग सीधा करो, पहले फ्लैग को कभी नीचा उल्टा नहीं किया जाता है, हमेशा फ्लैग हमेशा ऊपर उठा रहता है, ठीक है? जय हिंद बोलो। A few moments later, हम लोग आ गए हार्डिंग पार्क मैच देखने के लिए। आज पटना 11 वर्सेस ये बनारस का मैच है। चलो आओ, चलो आगे धीरे। पार्क है बेटा उधर, जाओ धीरे चलो, चलो अंदर चलो धीरे, दौड़ के नहीं जाओ बाबू, स्लोली साथ में चलो बेटा। श्री साक्षी साथ में चलो, धीरे धीरे रुको, इधर 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 नहीं बेटा, इधर आओ, इधर इधर चलो, हाँ इधर चलो, उधर धूप है, चलो दौड़ के नहीं जाओ, धीरे चलो ना, चलो चलो चलो, बाबू धीरे चलो, साथ में चलो ना बेटा, साथ में चलो, थोड़ा बैक हो जाओ, थोड़ा बैक देखो, इधर इधर दिखो, हाँ इधर देखो इधर, हाँ चलो साची इधर देखो, जानो उधर जानो उधर जाने उधर यहाँ रहो ना, यहाँ बगल में यहाँ रहो, वहीं वहीं रहो, इधर जाओ। धन्यवाद सर। वहीं रहो वहीं पे बाबू, साशित साशित जरा बैग जाना आगे, हाँ बैठ गया, बैठ गया, मैच देखो, उड़ गया क्या? उड़ गया जा, उड़ गया जा, ले लो जाके, जा उड़ ले लो, ले लो उड़ गया,
हवा कम भरा चॉप है चॉप चॉप बच्चा बच्चा इधर बैठ इधर इधर आ अच्छे से बैठो ठीक है कॉर्नेटो ना ठीक The next day. आज मैं बना रही हूँ पिट्ठा बिहारी पिट्ठा जो बिहार का बहुत फेवरेट डिश है तो ये है चावल का आटा इसमें थोड़ी सी हम चावल के आटा को चलने से चाल लेंगे फिर चालने के बाद इसमें थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे फिर उसको मिक्स करेंगे फिर इसमें हम गुनगुना पानी ऐड करेंगे जिससे एक डो अच्छे से बन जाए और हमें सॉफ्ट डो बनाना है इसके लिए हमें 20 मिनट इसे ढक के रखना है थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे डो बनाएंगे एक साथ पानी ना डालें नहीं तो ये गीला हो सकता है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके डो बनाएंगे मैं बना लेती हूँ डो फिर मैं आपसे मिलती हूँ देखिए डो बन गया उसके बाद इसको 20 मिनट के लिए हम ढक देंगे तब तक मैं चाय पी लेती हूँ शाम हो गई है फिर मैं आपसे मिलती हूँ और ये चने की दाल है चने की दाल मैंने रात भर भिगो के रख दिया है इसको अच्छे से मैंने धो लिया है तो इसे पीस लेंगे फिर इसमें 3-4 हरा मिर्चा ऐड कर लेंगे थोड़े से अदरक 10-12 लहसुन की कलियाँ और थोड़े से पानी इसको सब मिलाकर एक अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे देखिए एक पेस्ट तैयार रेडी हो गया
उसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे, साल्ट तो मैं इतना डाल रही हूँ, अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें। उसके बाद इसमें हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद इसमें हम कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, इससे थोड़े से टेस्ट अच्छे हो जाते हैं। फिर इसको हम सबको मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छे से ये पेस्ट रेडी हो गया है, मिक्स कर दिया सारा। अब हम पिठा रेडी कर लेंगे। फिर हम इडली स्टैंड में पानी डाल देंगे, इतना ही पानी काफ़ी है। उसके बाद स्टैंड डाल देंगे इसमें, क्योंकि इसमें उबाल आने लगे। अब इसमें मैं सारा पिठा को, जो मैंने ये पिठा फिल कर लिया चने की दाल के साथ, तो मैं सारे पिठे को इसमें डाल दूंगी। देखिए जितना आटे उतना ही डालिए, ज़्यादा नहीं डालें नहीं तो चिपक जाएंगे। फिर मैं इन्हें 10 मिनट के लिए ढक दूंगी। इसको अब चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो गए हैं तो मैंने ये चेक किया था कि हुआ है कि नहीं, और आपको दिखाने के लिए चेक कर लेती हूँ। देखिए हो गए। अगर इसमें नहीं चिपक रहे हैं तो समझ जाइए कि पक गए हैं, अगर आपको चिपकते हैं तो समझिए नहीं पके हैं। तो ये पक चुका है, तो अब मैं इसे निकाल लूँगी और इसको किसी भी सब्जी के साथ खाएं। तो ये मेरा पिठा रेडी हो गया, मैंने ऐसे कट कर दिया क्योंकि मुझे बच्चों को खिलाना है, उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी और उनका ये फेवरेट डिश है, और ये हेल्दी भी बहुत होता है और टेस्टी भी होता है। तो मैं तो इसको बैंगन एंड आलू और टमाटर की सब्ज़ी के साथ खाऊंगी, मुझे बहुत पसंद है बैंगन की सब्ज़ी के साथ ये पिट्ठा। तो आप भी ट्राई करें कि घर पे पिट्ठा, और मैं अपने बच्चों को देने जा रही हूँ, उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी है। बाबू आ जा, जल्दी जल्दी आ जा, इन्हें बहुत पसंद है। कब से बोल रहे हैं कब बनेगा कब बनेगा। ये प्लेट ले जाओ, प्लेट ले जाओ, इसे हॉट है, जा खाओ आराम से बैठ के खाओ। और बताना कैसा बना है।